हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर के आई हूं जिससे कि आप पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसको अपना कर देखती हैं अगर आप ट्राई करती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको लड़का होगा क्योंकि ये जो सिम्टम है ये मेरे ऊपर सही साबित हुए थे मैंने कल अपने गाँव में फ़ोन लगाया और वहाँ मैंने अपने रिलेटिव से पूछा कि ऐसा एक लक्षण बताओ जो अगर गर्भवती महिला में नज़र आते हैं तो इससे काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पढ़ है तो जो गाँव की दादी माएँ नानी माएँ हुआ करती हैं उन्होंने बताया कि सिम्टम अगर गर्भवती महिला में नजर आ जाए तो लड़का होना टल नहीं सकता है तो ये आप ट्राई करके देखें अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बहुत हद तक ये पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा ट्रिक है तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बेलाइक

पाँचवें महीने के पहले आपको बच्चे की हलचल सही से समझ में नहीं आती है और सातवें महीने के बाद बच्चे की जो हलचल है वो कम हो जाती है तो ऐसे में आपको ये ट्रिक जो है पाँच महीने से सात महीने के बीच में ही आजमाना है तो सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि आपका बच्चा हलचल कब करता है दिन में ज़्यादा हलचल करता है या फिर रात को ज़्यादा हलचल करता है इस बात का आपको खास ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा दिन में हलचल करता है तो आप सबसे पहले क्या करें कि खाना खा लें खाना खाने के बाद जब आप लेटती हैं तो लेटते वक्त आपको क्या करना है कि सीधे लेट जाना है उसके बाद जब आपका बच्चा हलचल कर रहा होता है उस टाइम पर आपको अपना हाथ आपके पेट पर रखना है जहां पर बच्चा हलचल कर रहा होता है वहां पर आपको काउंट करना है कि आपके बच्चे ने कितनी बार हलचल की है अगर आपको बच्चे की जो किक है वो दस बार से कम पता लगता है यानी कि आपको छह बार पता लगता है सात बार पता लगता है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेटा कंसीव किया है वहीं अगर आपको बच्चे की हलचल दस बार बारह बार पता लगता है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेटी कंसीव किया है क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा हलचल करती हैं लड़कों के मुताबिक लड़के जो होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं तो वो कम हलचल करते हैं और ये आप पांच महीने से सात महीने के बीच देख सकती हैं क्योंकि सातवें महीने के बाद बच्चे की हलचल कम हो जाती है तो आपको काउंट करना है अगर आपको बच्चे की कम महसूस होती है चार बार पांच बार छ बार सात बार तो लड़का है और दस बार से ऊपर आपको महसूस हो रहा है या फिर दस बार महसूस होता है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो ये ट्रिक आजमा कर आप देखें कि आपके बच्चे ने कितनी बार हलचल की है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपके बच्चे ने हलचल ज़्यादा की है या कम की है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय